तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आने के बाद भी लफ्ज इंसान का मौजू नहीं खत्म, किताबें चार आने के बाद, 100 के लगभग सहीफे आने के बाद भी इंसान का मौजू खत्म नहीं हुआ। क्या ऐसी चीज है ये इंसान? इतनी बड़ी कोई चीज है? इतना मुश्किल उन्वान है ये इंसान? इतना मुश्किल तरीन फर्द है ये इंसान? और इतना मुश्किल चैप्टर है, इतना मुश्किल बाब है ये इंसान कि सारा कुछ अंबिया रसूल किताबें सब कुछ आया, सही पे आए और हर एक का मौजू इंसान रहा। और हमारी जो आखिरी किताब है उस पूरी किताब का जो मौजू है वो भी आप कभी गौर से कुरान को पढ़ लीजिएगा, आज हम से लेकर बन्नास तक आप पूरा कुरान तिलावत कर लीजिएगा, निचोड़ यही निकलेगा कि पूरे कुरान का मौजू भी हमें इंसान ही नजर आता है। कभी अगर ये बात आती है कि जालिकल किताबुल आलिम फी, पहले कलमे से बात कर लेते हैं, जालिकल किताबुल आलिम फी, कि ये किताब वो है जिसमें कोई शक नहीं है, तो इसका मौजू क्या है? उसकी मेहनत इंसान ही बनता है, इंसान ही इसका मौजू है। उसके बाद ला रईब फी हुदल मुत्तकीन आता है, आगे तस्लीम दें, तो हुदल मुत्तकीन का मौजू भी इंसान ही है। उसके बाद यौमुना बिल गैब की बात आती है तो उसका मौजू भी हजरत इंसान ही हमें नजर आता है। आखिरी आयत मुबारका पे आ जाइए, कुल औज़ु बिरब्बि नास, उसकी जब तिलावत की जाती है तो कुल भी लफ्ज इंसान ही मौजू है। ये तो अकीदा है हमारा कि हम अपने प्यारे नबी हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बना को हम इंसानियत के आले मकाम पर अजीम तरीन इंसान समझते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो वो जो अकीदा है वो हमारा पूरा अकीदा ही जो है वो फाट कर जाएगा। तो कुल औज़ु बिरब्बि नास में जो पहला लफ्ज कुल है उसका मुखातब भी तो एक इंसान है, और इंसान को ही कहा जा रहा है, फरमाया जा रहा है अल्लाह की जानिब से कि आप इनसे ये फरमा दीजिए। उसके बाद अगले जो अल्फाज है औज़ु बिरब्बि नास, तो यहां जो रब्बि नास है यहां का मौजू भी बड़ा जदीद तौर पर इंसान है। अब मैंने पहली आयत मुबारका सुना है फातिहा शरीफ के बाद जहां से कुरान का आगाज हुआ और अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वहां बात हुई, वहां भी मौजू क्या रहा? इंसान रहा। आखिरी सूरह मुबारका उसका मौजू भी इंसान रहा, और जहां कुरान का आखिरी लफ्ज खत्म हो रहा है, कभी और कीजिएगा तवज्जो फरमाइएगा, उस आखिरी लफ्ज का इख्तिताम क्या है? वो भी लफ्ज इंसान पे, नज़्नती नास। नास का माना क्या होता है? इंसान, लोग। अब उससे पहले आ जाइए, हो सकता है आप सूरह फातिहा कहां गई उस पर भी आ जाते हैं। सूरह फातिहा शरीफ का पहला कलिमा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सनाए, तमाम हम्द सना और तारीफ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। उसके बाद भी अल्फाज क्या है कुरान पाक के? रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये आलम कैसे बनते हैं? आलम कैसे बनते हैं? आलम अगर है, ये आलम है, वो आलम है, तो इस आलम का वजूद किससे है? आप और मैं सारे इंसान, इंसानी वजूद है तो ये आलम है, वगरना इसे क्या कहते हैं? आलम लाहूत है, ये आलम तो फिर नहीं रहेगा, आलम लाहूत में हम चले जाएंगे। तो उससे पहले आप वापस आइए, मुफस्सिरीन ने बड़ा अजीम नुक्ता निकाला कि जब हम ये कहते हैं अलहम्दु, ये कलमा हस्र है, अलिफ लाम यहां पे जो कलमा है ये कलमा हस्र है कि तारीफ सिर्फ और सिर्फ किसकी है? अल्लाह की है। तारीफ किसकी है? सिर्फ अल्लाह की है। तो क्या दुनिया में रहते हुए कभी हमने किसी इंसान की तारीफ नहीं की? तारीफ करते हैं, इंसानों की तारीफ हम करते हैं, करनी चाहिए, जिसमें खूबी हो जरूर करनी चाहिए, ये हमारी राय है। अब यहां कुरान का कलमा हस्र है
और वो बिल्कुल लिमिटेड कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के तारीफ सिर्फ किसकी है, अल्लाह की है। तो हम दुनिया में इंसानों की तारीफ करते हैं तो ये क्या हुआ? रब्बुल जलाल ने फरमाया कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तुम तो इंसानों की तारीफ करते हो तो वो तारीफ भी कलमा हसर में रहती है, कलमा हसर टूटता नहीं है, इसलिए कि मैंने वो ऐलान किया है इन्नी जाहिरुन फिल अर्द खलीफा, मैंने इंसान को ही तो अपना तर्जुमान बना दिया। अलहम्द में भी सना कोई करेगा तो सना बनेगी नहीं, जब कोई सना ही करेगा तो क्या सना रहेगी? जब यहां कायनात में इंसान नहीं थे, या अल्लाह ने कोई किताब भेजी दुनिया पर? जब इंसान यहां नहीं थे, यहां कोई काबा था? नहीं था। जब इंसान यहां नहीं थे, कोई सहीफा आया? नहीं आया। जब यहां इंसान नहीं बसते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई? नहीं आई। इंसान मौजूद थे तो अल्लाह ताला ने जमीन पर यह पैगाम भिजवाया बेवास्ता जिब्रील, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें और हसन के साथ, तारीफ सिर्फ और सिर्फ किसकी है? अल्लाह की है। तो भाई सना कौन करेगा? सना तो जाहिर है हजरत इंसान करेगा। अब इसको समझाने के लिए ये वही पत्रो मैंने तिलावत की है, अब दूसरी वही की किस्म है भैया गैर पत्रो जिसे आप अभी से दूसरी बोलते हैं, अब जरूर उसकी तरफ आ जाइए, आपके लिए थोड़ा सा और मैं आसान कर। रब जलाल वो वायद है, वो आद है, वो समद है, वलम यलिद वलम यूलद उसकी जात है, जाहिर है समद आहद लम यलिद लम यूलद ये उसका खूबसूरत मंसब है और उसकी अजीब पहचान है, लेकिन वो खुद ये फरमा रहा कुन तो बन कर मौजूद है, मैं छुपा हूं खजाना फकाह बाबू अन औरत, मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया कि मेरी पहचान की जाए, और मजहूर का सिका है मारूफ का नहीं है, अन औराफा कि मेरी पहचान की जाए, मुझे पहचाना जाना चाहिए। उर्दू में इसका माना ये करेंगे मेरी पहचान की जाए। तो याद रखिएगा मजहूर कहते भी उसे हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट या फाइल गायब होता है। हदीस आपने ये बारह सुनी होगी लेकिन इस अंदाज से आप पहली बार सुन रहे हैं, अन और आफा। अब फेल मजहूर है तो फेल मजहूर होता ही तब है, मारूफ में फाइल जाहिर होता है, सब्जेक्ट से आप बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें सब्जेक्ट आपको सामने नजर आ रहा हो वो क्या होता है? वो मारूफ होता है, और जिसमें सब्जेक्ट गायब हो ना मालूम हो वो मजहूर बनता है। असलम ईद का एप्पल ये मारूफ है क्योंकि पता है एप्पल किसने खाया है, ये असलम ठीक है, और अगर कहा जाए एप्पल ईटन सेब खाया गया पता नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि सेब को खाने वाला कोई है, समझ रहे मेरी बात? ये बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जब ये पे कर जाते मारूफ मजू बच्चे शायद समझ पाए। अब आ जाइए इस तरफ, वाहफा मुझे पसंद हुआ कि मेरी पहचान की जाए। अब जब पहचान की जाए मारूफ को ये जात कहली, आरिफ कौन है? अब सवाल ये उस पहचान करने वाले को आरिफ कहेंगे ना, अब वो आरिफ कौन है? अब हमें उस पे गौर करना है और उस पे तवज्जो करनी है कि कोई ना कोई ऐसा है जो उसको पहचानेगा। उसका जवाब अल्लाह ताला ने खुद आगे फरमा दिया और वो भी इंसान ही ठहरा, फरमाया फा खलकतुल खल्का ऐ मुहम्मदा, तो मैंने किसी को पैदा किया, एक बड़ी अहम तरीन मखलूक को पैदा किया, और उस अल खल्क में खल्क चुके नहीं था, अल खल्क था, मुअल्लफ बिल लाम था, अल्लाह ने फरमाया वो खास और मारफा जात जो आम नहीं है, बड़ी खास और खास जात है, वो क्या है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब वापस आ जाए तो मैंने खुतबे के आगाज में पहला जुमला बोला कि आदम अलैहि सलाम से लेकर जनाबे रसूलुल्लाह आलम बना सल्लम तक और 100 सहीफे 4 किताबें सबका मौजू एक ही है, और वो मौजू क्या है? अब ये समझ गए आप, आपके पास आर्गुमेंट्स आ गए, दलाइल आ गए,
कि आप अपने इस अगर मौके को रखते हैं, आपसे कोई ये बात करता है और आप आगे ये बात करते हैं, तो आपका एक जो उसूल है और आपका एक दावा है, तो दावे पे जाहिर है दलील होनी चाहिए। दलील के बगैर दावा बेकार होता है और उसको दीवार में बदल देना चाहिए, उसकी हैसियत नहीं होती। और साहिबान इल्म वही होते हैं जो दलील के बगैर दावा नहीं करते। पुरानी उसूल भी यही है, हदीस का उसूल भी यही है, और आका की पूरी सीरत का उसूल भी है, पूरा उसूल ही। अब आ जाइए हजरत इंसानी इसका मौजू है। अब जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अब अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि अल्लाह के यहां अब जो दीन है वो सिर्फ क्या है? दीन इस्लाम है। इस्लाम का माना क्या? सबसे पहले ये कर लीजिए, उससे पहले बल्कि दीन पे आ जाइए। पहले हम ये समझ लें कि ये दीन क्या है, दीन कैसे किसे कहते हैं, या दीन ये पहला ही आया है, पहले दीन नहीं, या ये मजहब है तो पहले क्या थे। एक बात ये तय कर लीजिए कि इससे पहले जितने भी आए हैं वो सारे के सारे मजाहिब दुनिया में क्या है, मजाहिब आए हैं। दीन के बाद चूंकि फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। दीन अपनी जात में एक ऐसा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ होता है, एक ऐसा मुकम्मल जाब्ता हयात होता है कि जिसके बाद फिर किसी और उसूल की जरूरत रहती नहीं है। अगर हम ये किसी पहले मजाहिब को हम अगर दीन मान लेते हैं तो याद रखिएगा फिर ये बात रह जाएगी कि उस दीन के बाद फिर किसी और दीन की जरूरत क्या थी। हाँ, इस पर बहुत असाबे जवाब ने कुछ लिखा कि हाँ जी, दीन इस माने में है कि क्योंकि उस रास्ते पर चला जाता है तो लफ्जी एतबार से ये दीन बन जाता है। बाद में कहा मफहूमी एतबार से पहले जो मजाहिब थे वो दीन कहलाते हैं, लेकिन उसूली तौर पर उसूलीन के नजदीक तमाम इस बात पर मुत्तफिक है कि इस्लाम जिस अंदाज का दीन है, इस तरह का दीन इससे पहले कभी दुनिया में मुतारिफ ही नहीं हुआ, इससे पहले कभी मुतारिफ नहीं। और अगर ऐसा होता तो हो सकता है फिर खत्मे नबूवत वाला मामला भी कायम हो सकता था। फिर आका की वो हदीस, एक दीवार, एक घर है, एक मंजिल है, एक बिल्डिंग है, एक उसको कमरा कह लें, घर कह लें, दीवार कह लें, उसकी सारी इंदे मुकम्मल हो गई, लेकिन एक ईंट अभी बाकी थी। और वो एक ईंट जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो पूरी की पूरी मंजिल और वो पूरा घर और दीवार उसको मुकम्मल कर दिया। अब ये है मौसम। अब दीन पहले मजाहिब, मजाहिब किसे कहते हैं, मजहब किसे कहते हैं, मजाहिब तो घर से जमा है, मजहब पे आ जाते हैं। मजहब क्या होता है? मजहब निकला है अरबी जुबान का लफ्ज है जार, हाजमी और बा, जहाबा। जहाबा का माना अरबी में होता है वो शख्स गया, चला, रुखसत हुआ, मशहूर माना है वो गया। हमारे मदारिस में बहुत ही किताब पढ़ाई जाती है जहाबा या जहाबा, सरासी मुजादत है। वो गया, अब उसी से है मजहब जिस पर चला जाता है। मजहब क्या हुआ? जिस पर चला जाता है। अब जिस पर आप चल रहे हैं हो सकता है कभी वो आपको मुस्तकीम तरीके पर ले चले, हो सकता है कभी दालीन की तरफ ले जाए। जरूरी तो नहीं जितने लोग चलते हैं वो सीधे चलते हैं, ऐसा तो नहीं है। चलने वाले कभी सीधी राह पे चलते हैं, कभी टेढ़ी राह पे चलते हैं, कभी मंजिल मकसूद अल्लाह होती है और चलने वाले कभी रास्ते में ठीक जा रहे थे, अचानक रास्ता बदल लिया और मंजिल का और तय्यन कर लिया। कहीं ऐसा हुआ कि चलते चलते एक मंजिल में पहुंचे, आगे फिर वहां से कोई पछता है ना हो गए और अपनी मंजिल से दूर चले गए। जरूरी नहीं हर चलने वाला अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है रास्ते में गुमराही भी आ जाए, लेकिन ये बात तय है दीन होता ही वो है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा के छोड़। ये बात वाज़े। इसीलिए तो जितने अंबिया कराम आए किसी एक ने ये दावा नहीं किया कि जी मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं और तुम मुझ तक पहुंच गए हो और बस तुम्हारा रास्ता मुकम्मल हो गया, इसलिए कि उनके पास
मजहब था, दीन नहीं था। क्या था? मजहब था, दीन नहीं था। हर नबी ने क्या कहा? एक ही नारा लगाया सब नबियों ने, भाई यहां तक तो हमने तुम्हें पहुंचा दिया है, अभी तुम्हारी मंजिल बाकी है, एक रसूल और नबी आने वाला है, अल्लाह करे तुम उस तक पहुंच जाओ, जब उस पे अगर तुम पहुंच जाओ तो क्या करना, वाला तुम नबी वाला तंसुरुन नहू, कुरान का ऐलान है उस नबी पर ईमान भी ले आना, उसकी मदद भी करना। सारे नबियों ने ये कहा है कि नहीं कहा? भाई जब नबी का कलमा पढ़ लिया रसूलुल्लाह, तो उस वक्त के जो रसूल थे उनका कलमा पढ़ लिया, उसूल तो फिर ये होना चाहिए ना कि उनसे कह दिया जाए कि बस भाई तुम मंजिल पे आ गए, अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारा सब कुछ मुकम्मल हो गया। लेकिन किसी एक नबी का ये ऐलान आपको मिलता है कभी? नहीं मिलेगा। बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, तौरात शरीफ उठा के पढ़ लीजिए, ज़बूर शरीफ को उठा के पढ़ लीजिए, सारों के हाँ सेकंड बिताते वो तो लाए जीले पाक है, जीले पाक में तो बड़ा बार से लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अन्ना का चैप्टर नंबर 3 है, उसके बाद वर्सेस नंबर 125 है, उसमें बड़ा वाज़े लिखा, एक अरब में रसूल आएगा, एक नबी आएगा और उसका नाम अहमद होगा, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उस पर जरूर ईमान ले आना और उसका कलमा पढ़ना और उसकी मदद करना, वो तुम्हें अपने आखिरी मंजिल तक पहुंचा दे। ये बाइबल पाक फरमा रहे हैं, हम उस पर यकीन रखते हैं। उन्होंने तब्दीलियां की, उनके मामला मुहर्रम पर भी तब्दील कर दी, लेकिन बहसियत किताब के मुनज़्ज़ल में समा है, हम उस पर ईमान रखते हैं। अब ये बात तुम्हें मालूम है, इसको छुपाना भी चाहा, लेकिन इस छुपाने को अल्लाह ने कुरान में डिस्क्लोज कर दिया और वहां अल्लाह ने बाकायदा तौर पर जनाब ईसा अलैहि सलाम का जिक्र करके फरमा दिया कि एक नबी आएगा इस्मुहु अहमद, कुरान ने वही लफ्ज जिक्र किया जो जंजीरे पर, ताकि तब ये लोग मुगर जाएं, जब ये लोग तहरीफ करना चाहें और ये बात को आगे पीछे करना चाहें। ईमान वालों, कुरान तुम्हारे पास मौजूद होगा, कुरान तो मुहर्रम नहीं हो सकता, कुरान में तारीफ नहीं हो सकती, कुरान क़यामत की सुबह तक नहीं बदल सकता, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा चुका है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसको हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत भी हम खुद फरमाएंगे। अब इस मौके पर कुरान ने उस बात को भी यहां जिक्र कर दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम पहले 124,000 मुकम्मल हो चुके, 312 रसूल मुकम्मल हो चुके, और आखिरी जो नबी है आगा करीम अलैहिस्सलाम से पहले और सेकंड लास्ट जो रसूल हैं, अब देखिए साहिब किताब भी हैं और रसूल भी हैं, साहिब शरीयत भी है, तो चार रसूल जो बनते हैं। अब हमने देख लीजिए ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ नबी थे, नहीं रसूल भी थे, साहिब किताब भी थे और साहिब शरीयत भी थे। अब इसके बाद कोई बात तो रह नहीं जाती, किताब भी देती, शरीयत भी देती, रिसालत भी देती, नबुवत भी देती, चारों चीजें मुकम्मल हो गई, लेकिन उसके बावजूद ईसा अलैहि सलाम फरमा रहे हैं अभी मुकाम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरी उम्मत वालों, ऐ मुझ पर ईमान लाने वालों, तमाम मसीह बरादरी ये बात सुन लो, अभी तुम्हारा ईमान उस दर्जे पर नहीं पहुंचा और तुम्हें तकलीम की बशारत में नहीं सुना सकता। हाँ तुम्हें एक बशारत जरूर सुनाता हूँ, एक नबी और रसूल की बशारत जरूर सुनाता हूँ, वो आएगा और वो आकर सारी दीवार को मुकम्मल फरमा। इसलिए बजा तौर पर मानना पड़ेगा उनके पास क्या था, मजहब। क्या था जी? मजहब। आप समझ गए मजहब को? मजहब था, अभी मुकम्मल कामयाबी के अपनी मंजिल पर, तो आपकी डेस्टिनेशन उस तक पहुंचे हम नहीं है, अब आ जाइए। अब जब आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए तो क्या ऐलान? अब मैं दीन पर आने लगा, इन्नत दीन, जहां मैंने बात छोड़ी थी अब वहीं से वापस आ जाइए, इन्नत दीन, अब दीन की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब कुरान क्या फरमाता है? कुल, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, आप इरशाद फरमा दीजिए, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, या जो लदीन आमन का लफ्ज नहीं है, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, जब लोगों की आवाज
बुलंद हुई, इसमें कौन आए? मसीह भी आ गए, यहूद भी आ गए, नैजरी भी आ गए, बुत परस्त भी आ गए, बुत मत भी आ गए, फादिया फिका भी आ गया, रजालिया भी आ गया, सारे आ गए। आज अव्वल का इंतहा, इब्तिदा का इंतहा, जितने मजाहब थे सारे लोग तो हैं ना जी, नास में तो शामिल है। या यूहन्नास, ऐ लोगों, आज अगर कोई बाइबल पे था तो वो भी सुन ले, आज तक अगर कोई तौरात पे था वो भी सुन ले, आज तक अगर कोई जबूर पे था वो भी सुन ले, कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानने वाला था वो भी सुन ले, कोई जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला है तो वो भी सुन ले, अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला है तो वो भी सुन ले। या यूहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का आखिरी रसूल बनाकर भेजा हूं। अब ये वो आफाकी ऐलान है, अब ये वो एक यूनिवर्सल ऐलान है जो सारी कायनात के लोगों में दिया जा रहा है। और ये ऐलान आका नहीं फरमा रहे, याद रखिएगा, आका नहीं ऐलान फरमा रहे, ऐलान करवाया जा रहा है किससे? जिसने फरमाया कुल, उसी ने फरमाया था। अल्लाह ने हमें अपनी तौहीद बयान फरमाई है या आका ने बयान फरमाई? अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, तौहीद तो अल्लाह की है, बादानियत तो अल्लाह की है, और बयान किसने करवाई है? अल्लाह ने करवाई है, और उसकी वजाहत यहां से हो रही है, और करवाई किसकी जुबान से है? रिसालत मोहम्मद सल्लम की जुबान से। सूरत अखलास सबको आती होगी माशाल्लाह, उसका पहला लफ्ज जरा बोलिए क्या है? क्या लफ्ज है पहला? कुल। सिर्फ अभी कुल तक है, लफ्ज है कुल। ए महबूब सल्लम, आप इशारत फरमाए ना, आप फरमाइए। अगर अल्लाह कुरान में सारे आकाम उतारता है, अगर वो फरमा देता हु अल्लाह हु अहद अल्लाह समद, तो कोई मसला था? कोई मसला नहीं था, तो ये समझानी थी ना, समझ आ जाती। अच्छा, मजे की बात ये है, बाकी सारी किताबें उठाकर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, मैंने सबको देखा है पढ़ा है, बाकी सारी किताबों में अल्लाह ने तौहीद ऐसे ही बयान की। हाँ जी, डायरेक्ट अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वहां किसी नबी से यह नहीं फरमाया कुल, ऐ मूसा आप फरमा दे अल्लाह अहद अल्लाह एक है, नहीं ऐसा नहीं, पूरी तौरात में आपको नहीं मिलेगा, पूरी ज़बूर शरीफ में नहीं मिलेगा, पूरी बाइबल पाक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। भाई वहां भी तो अल्लाह की तौहीद ही बता रही थी ना, या उस दौर का अल्लाह और था, या आज के दौर का नऊज़ बिल्लाह अल्लाह और है। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के जमाने का भी वही अल्लाह है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का भी वही अल्लाह है, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का भी वही अल्लाह है, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का भी वही अल्लाह है, और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के जमाने का भी वही अल्लाह है। तो अल्लाह ये अंदाज मुख्तलिफ क्यों है, जो पहले किसी के मकाम पे तूने नहीं अपनाया? सब में फिरक बनाए राज फरमाया अल्लाह एक है, और जब आखिरी महबूब की बारी आई तो फरमाया कुल, ऐ महबूब तू फरमा दे, ऐ हबीबा आप अपनी जुबान से फरमा दे, वो अल्लाह अहद। शान ये है कि अल्लाह एक है, वजह क्या है? फरमाया इसमें भी वजह है, बड़ी वजह है, वो तुम्हें समझनी चाहिए, इसलिए कि बाकी सारे मेरे कहने पर गवाही अगर देते तो कोई उम्मीद खड़ा होकर ये कह सकता था जनाबे मूसा आप लोग फरमा रहे हैं अल्लाह एक है, या आपने देखा है? सवाल हो सकता है ना जी, मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात करूं तो आपको पूरा हक होता है कि आप उनके लिए बात कर दें कि जनाब आपने अगर जबूर की बात की है, आपने जबूर तो देखा है, आप कर सकते हैं ना ये सवाल। आपने बाइबल की बात की, आपने बुखारी की बात की, आपने तिर्मिज़ी शरीफ की बात की, आपने कुरान की बात की, आपने क्या ये देखी है वहां हदीस या आयत? आपका हक है, आप पूछ सकते हैं, मेरा मेरे ऊपर फर्ज है उसका जवाब दूं। तो फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते खुद के लोगों अल्लाह एक है,
मैं कह रहा हूँ अगर एक यहूदी खड़ा हो जाता और वो ये कहता जनाबे मूसा अलैहि सलाम आपका हुक्म सर आंखों पर आप जिस अल्लाह के वातावरण शरीक होने की बात कर रहे हैं क्या उसको देखा है वो एक है। फरमाया अगर ये सवाल कर लिया जाता तो नऊज़ बिल्लाह ये नक्स होता मेरे नबी की जात में मेरे नुमाइंदे और मेरे रसूल की जात में क्योंकि उसने अपनी नजरों से तो मुझे नहीं देखा। मैंने दानिश्ता मूसा अलैहि सलाम का नाम लिया इसलिए कि वो बड़े मुकर्रब रसूल है बड़े शान वाले रसूल है और उनका जिक्र फैल सबसे ज्यादा आया है हमारे पुराने बाग में आका किसने करानी के बाद इसलिए मैंने उनका नाम लिया है और बड़े नाजो नाम वाले रसूल हैं और उन्होंने चूंकि मुतालबा किया था आ रहे नहीं मुतालबा उनका मिलता है मैं कुरान में तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया ये जवाब भी है ना कुरान में मुतालबा उनका है और जवाब भी मुतालबा भी कुरान में जवाब भी कुरान में लन तरानी तू कभी भी नहीं जैसे तू सफीला है अरबी ग्रामेटिकली कभी भी इसका तर्जमा ये लोग कहते हैं कि आप नहीं देख सकते ये गलत तर्जमा है ग्रामर के लिहाज से बनेगा कभी भी नहीं तुम देख सकते मुझे या इजाफत की है नस्बत की अल्लाह की तरफ कभी नहीं देख सकते। जब ये कुरान में मौजूद है तो जाहिर है बात सच है मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह को उस लम्हे तक जब आज कुरान आया नहीं देखा तो उस लम्हे कहां देख लिया था नहीं देखा। यही मामला ईसा अलैहि सलाम का है यही मामला दाऊद अलैहि सलाम का है यही मामला हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का है और बाकी अंबिया का है। लेकिन अब जब बात आई आप पर मेरे नबी की आलम बना सल्लम की जब बात आई तो फरमाया महबूब कुल हु अल्लाहु अहद आप फरमा दीजिए ना कि अल्लाह एक है। हाँ आप कोई अरब में खड़ा होगे अजम में खड़ा होगे कि अगर सवाल करेगा ऐ आका आप जिस अल्लाह की वादानियत की बात कर रहे हैं और जिसको आप कह रहे हैं वो अल्लाह एक है क्या उस अल्लाह को कभी देखा भी है तो महबूबा आप पढ़ दीजिएगा ना सुभान अल्लज़ी असरा बिअम्रिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा आप पढ़ दीजिएगा ना सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा हुसैन निगाहा मेरी आंख तो भटकी नहीं है मेरी आंख यहाँ से हिली नहीं है मैंने तो अपने रब को अपने सर की आंखों से इस अंदाज में देखा है। दोनों बातें इसलिए सूरत नजम ने फरमाई कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा हुसैनी औ वतना बात यहाँ पूरी हो गई थी भाई जिसको बाहों में लेकर बेचा जाता है भाई वो देखता नहीं तो और क्या होता है लेकिन एक इतराज अभी भी बाकी कभी हो सकता था अल्लाह ने उस इतराज को भी खत्म कर दिया। हो सकता है कोई ये कहता अल्लाह ने अपने कुल में तो नवाजा था करीब तो किया था लेकिन नूरे खुदा इस कदर सख्त था कि निगाहे मुस्तफा उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती थी बस आंखें मीच ली और बस अल्लाह ताला के जो हाथ उसके लायक है उस बाहू में आ गया। अल्लाह ने फरमाया ना ना ये तसव्वुर भी मत करना मेरा महबूब तो वो है मेरे महबूब ने अपने सर की आंखों से दिलाया ही जब पूछा जाएगा अब जब सवाल किया जाएगा कोई भी उठ के पूछेगा आका बताइए आप कह रहे अल्लाह एक है हम कैसे मान ले अल्लाह एक है। यहूदी और ईसाई कह सकता था कभी ये दावा तो हमारे किसी नबी और रसूल ने नहीं किया है तो हम पढ़ देंगे कुरान में कि भाई दावा किया था इंतजा की थी मांगी थी ये नेमत आए नहीं अल्लाह दीदार करवा दे फरमाया लन तरानी मूसा नहीं देख सकता फिर हाँ बुलाया हम तजल्ली डालते हैं चले तेरी बात मान लेते हैं प्यारे करीम आ जाइए हम तजल्ली डालेंगे दीदार तो बड़ी कौन की बात और बात की बात है अगर तजल्ली बर्दाश्त हो जाए तो फिर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगला मामला भी हो जाएगा फतदल्ला कुरान कहता है ना फिर तजल्ली ही डाली बस तजल्ली ही डाली तो कुरान क्या कहता है बखर रसाई का मूसा मूसा अलैहि सलाम को तजल्ली भी बर्दाश्त ना कर पाए और बेहोश होकर अर्रा का पूरा माना मैंने कहा जाहिर है अदब इशारा बहुत बुलाया था बस मैंने इशारा कर दिया बखर रसाई का मूसा लेकिन यहां तो बात ही और है यहां तो फिर मामलात बड़े और हैं
और अल्लाह ताला ने इसीलिए तो सूरह असरा में लफ्ज अम फरमाया, ये नहीं फरमाया सुभान अल्लाह जिया सला ले नबी ये इन रसूल ही, ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया बे अब्द ही। तो अब्द तो जाहिर तभी बनेगा जिसकी आंखें भी होंगी, जिसके कान भी होंगे, जिसकी जुबान भी होगी, जिसकी नाक भी होगी, जिसका जिस्म भी होगा, जिसके हाथ भी होंगे, जिसके पांव भी होंगे, जिसकी जुबान भी होगी और उसमें रूह भी होगी। जब रूह और जिस्म मिलता है उसे अब्द कहा जाता है। ये ख्वाब में था, ये रूहानी मेराज था। भाई रूहानी बहुत सारे हुए लेकिन ये रूहानी इसलिए नहीं बन रहा कि ये नस्से कदी के खिलाफ है। नस्से कदी क्या है कि अब्द ही अपने अब्द को बंदे को, आप और मैं इस वक्त अब्द हैं क्योंकि रूह भी है और जिस्म भी है। जब रूह निकल जाएगी फिर हम अब्द नहीं, फिर हम क्या है मौता, ठीक है जी। और अगर हम में रूह बाकी है और जिस्म नहीं है, जब आप ख्वाब में सोए लाहौर होते हैं, घूम आप कराची रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है जिस्म नहीं रूह होती है, तो उसके बारे में कुरान फरमा चुका है यस अलूना का आनी रूह, वो भी अब्द नहीं बनता, पहले मौता उस सूरत में रूह। तो अब्द कब बना, जब दोनों का संगम हुआ तो बन गया अब्द। इस वक्त आप और मैं किस मकाम पे बैठे हैं, अब्द हैं, बंदे हैं, रूह भी चल रही है और साथ जिस्म भी बोल। इसलिए मुसलमानों अब आयत का जो खुतबा मैंने आज पढ़ी, इन्नद दीन इन्दल्लाह इस्लाम, इस कायनात के सारे मामलात तमाम चीजें उसका मरकज उसका महवर सब कुछ क्या है, अल्लाह के यहां वो दीन सिर्फ दीन इस्लाम है। और आज ये बात तय कर लीजिए, ये बात जहनों में अमली तौर पे बिठा लीजिए, दुनिया की तहजीबों के पास, दुनिया के आइनों के पास, दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों के पास, इंसानियत का कोई हल मौजूद नहीं है। ये बात मैं दावे से कर रहा हूं और इस बात पे मैं आया हूं अपने आर्गुमेंट्स के साथ, किसी पे के पास कोई हल नहीं है इस वक्त दुनिया में। अगर इंसान के हर मसले देहनी मुआशी माशर्ती नफ्सियाती आपके तबकाती तमाम मसाइल का अगर हल है तो सिर्फ किसके पास है, इस्लाम वो इस्लाम। अब रोजाना तमाशा देखते हैं ना पाकिस्तान, हर रोज तमाशा है ना जी। खालिद ने कहा था बगीचा है अच्छा है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, ये रोज हम तमाशा देखते हैं। वही आइन होता है वो बुला रहा होता है, वो आइन उसका मुखालिफ बुला रहा होता है, दोनों आइन पर खड़े होते हैं। ऐसे ही है ना, पता चला एक तो कोई ना तो कोई तो झूठा है ना, लेकिन दोनों सच्चे होके निकलते हैं। फिर बताइए क्या ये सच है, नहीं ये दो और फरेब है, सच कहाँ है, इस्लाम अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह हम इसके कामिल रहने की कोशिश नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफा तुझे तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज